आपने बाबा सरकार से अच्छी तो पार्टी हो रही उसकी जो 15 लाख दे रही है, एक नया पैसा भी नहीं मिला, अपने दुनिया में सो गए, 2 करोड़ नौकरियां दे रही है कमजोर जवानों को, हर साल देंगे 2 करोड़ नौकरी, पढ़ा लिखा नौजवान को सड़कों में घूम रहा परेशान है और फौजी करके जिनके माता पिता उनकी PhD और ये यूएस नहीं है, उससे सोचा कि चलो हम और उनके माता पिता भी कि हम इस पार्टी के साथ में खड़े होते हैं, ये तो हमको 2 करोड़ नौकरियां दिलाने का काम करें। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने नौकरियां तो नहीं दिलाई बल्कि नौकरियां छीनने का काम किया। जितने भी सार्वजनिक उपक्रम थे, चाहे वो SEL हो, चाहे वो NDC हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो गैस अथॉरिटी हो, चाहे वो आज हो, तो बैंकों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने सब जो है अपने चुनिंदा 2-4 जो उनके उद्योगपति है जो कि सारा धन को देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, उनको देने का काम और उनको देकर के उनको हाथ में सौंप दिया। तो ये जहां पर नौकरियां मिली थी नौकरियां उनका बंद हो गई, तो 1.5 से 2 करोड़ नौकरी हर साल खत्म होने का काम था। इसके पहले रोजगार खत्म कर दिया, छोटे छोटे कारखाने बंद करा दे, क्यों, क्योंकि नोटबंदी लागू कर दी, नोटबंदी GST एक के बाद एक प्रहार करते गए, वोट को ले लिया और जब नौजवानों ने आवाज उठाना शुरू किया कि आखिर हमारे साथ धोखा क्यों हुआ, तो कहते हैं कि वो तो सुनना था अल्लाह अल्लाह वाला और इसमें हमने नौकरी का वादा जरूर किया था लेकिन हम आपको नहीं दे सकते, अब आप कुछ और करिए। उन्होंने पूछा क्या करें, तो कह रहे हैं कि आप फेरा लगाइए और पकौड़ा बेचने का काम करिए। उन नौजवानों से जिनसे आपने वोट किया था कि आप हम आपको नौकरी देंगे, उनसे आज आप कह रहे हैं कि आप पकौड़े बेचिए, पकौड़ा बेचना कोई खराब चीज होगी, भूंगा और पकौड़ा और ये फेरे वाले, ये तो हम लोगों की पार्टी ही गरीबों की पार्टी है, हम तो उन्हीं के लिए खड़े रहते हैं लौटे रहते हैं, लेकिन धोखा तो नहीं देना चाहिए कि तुम बिगड़ी लिए भूल गए और हम तुमको पकौड़ा बेचने की सलाह दे रहे हैं क्योंकि नौकरी नहीं दे सकते। तो ये वो पार्टी महिलाओं की सुरक्षा के साथ, महिलाओं से आगे घर आ जाएंगे तो आपकी सुरक्षा हो जाएगी, क्या सुरक्षा होगी, जो इस जनपद के प्रभारी एवं सम्मानित ग्रामों
उन्होंने पानी का पानी करके कमरे को भेज से ही उनके मकान को गिरा दिया गया, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से थे। ये वहां का एक हिस्सा होगा, ये एक हिस्सा है, ये आप मान के चलिए ये हर जगह होगा, बुलडोजर पर उन्हें हर जगह चल रहे हैं, किसी भी जात किसी भी धर्म किसी भी उससे हो हर ब्राह्मण समाज नहीं, अगर वो मजबूत किस्म का आदमी है और इनके साथ में ही नतमस्तक है तो उसके साथ में इसी तरह का अपमान करके अपमानित करके और उसको बेहतर करने के लिए काम करते हैं। बहन मारी